हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह, यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ हमारे चैनल पर आइए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो एवरीवन, मैं बता दूँ, दो दिन से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था या कोई वीडियो नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, और आज से कुछ मेरा तबीयत सही लग रहा है तो मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए। पता ना, जब से मैं गांव पर आई हूँ तब से मेरा तबीयत सही नहीं रह रहा है। बीच बीच में पता ना सर्दी जुकाम जैसा हो जा रहा है, कभी ये चीज़ कभी वो चीज़। तो जो होता है ना हर जगह की पानी, तो यहाँ मैं अपनी वीडियो में बताई हूँ कि हमारे घर की पानी बहुत अजीब से लगता है और जल्दी हम लोग को सेट भी नहीं करता है, तो धीरे धीरे सेट करेगा। तो लग गई हूँ आज वीडियो बनाने में, आप सभी से बात करने में। तो चलती हूँ ब्लॉग में लेकर आप सभी को आगे। और ये इवनिंग का समय है, नहीं एवरीवन, इवनिंग का समय ये नहीं, गुड आफ्टरनून का समय है। और मैं कब से सोई थी क्योंकि सुबह से जो नाश्ता खाना होता है गाँव में, क्या होता है ना कि भले कोई सुबह में खाकर जाने वाला नहीं हो पर हमारे यहाँ क्या होता है कि 3 बजे या 4 बजे के बीच में आप जग जाइए, और जगने के बाद घर बर्तन जो चौका होता है गांव का सब कुछ कीजिए, फिर उसके बाद में अपने खाना को अगर आप 7 बजे ही बनाकर रख देती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 बजे बनाकर आप रख देती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 9-10 नहीं बजना चाहिए खाना बनाने में। तो बस वही होता है सुबह में ज़्यादा जल्दी जग जाने से क्या होता है, नाश्ता करते हैं ना तो नींद से आने लगती है, हर कोई को लगता होगा। और अक्सर बात है कि हम लोग घर में रहते हैं तो थोड़ा नींद आना स्वाभाविक है, तो वही नाश्ता हुआ, फिर उसके बाद में हम बच्चे को लेकर सो गए थे। जो हमारा लड़का है, आप सबको देखने में लगता होगा कि बड़ा हो गया है लेकिन सोता है मेरे साथ, दिन में सोता है, रात में नहीं सोता है, रात में इधर उधर सो जाता है। और रात में हम भी किसी के साथ में नहीं सोते हैं, अकेले ही हम, तो अच्छा लगता है। इस समय तो गर्मी का मौसम है तो हम लोग छत पर ही सो रहे हैं, आप सब भी सोते होंगे क्योंकि इन्वर्टर का व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है और गांव में लाइट बहुत डिस्टर्ब रहता है, दिन हो रात हो लाइट के तो नाम ही छोड़ दीजिए कि लाइट भी है, क्योंकि लाइट मुश्किल से 1-1.5 घंटे के लिए आता है फिर बीच में चला जाएगा, और दिन होता है 12 घंटा के, रात होता है 12 घंटा का, और 24 घंटे में लगता है मुश्किल से 4 घंटा ही हमारे यहाँ लाइट रहता है, बाकी 20 घंटा इस तरह गर्मी हो या अंधेरा हो इसी तरह रहिए। तो चलती हूँ ब्लॉग में आप सभी को लेकर आगे। हेलो एवरीवन, तो यहाँ हम देखिए घरों की मरम्मत करा रहे हैं, मैं वीडियो में दिखाई हूँ जो हमारा घर है ना बहुत ख़राब हो चुका था, और जो बरसात की पानी है वो हमारा घर में आ रहा था, तो यहाँ जो होते हैं ना जो बोलते हैं तो लगाई हूँ यहाँ काम करने के लिए, तो ये हमारे जो छप्पर बोलते हैं, छान बोलते हैं, तो इनको ये इसको अच्छे से मरम्मत कर रहे हैं, और जो खपड़ा होता है और नरिया होता है, मिट्टी होता है, तो सब कुछ लगा कर सेट कर देंगे, तो जो हमारा घर में पानी आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा। और वो सामान भी बर्बाद हो जाता था, जब भी बारिश होता था तब मैं बहुत परेशान हो जाती थी क्योंकि जो कपड़ा का घर गजीब होता है, थोड़ा सा भी जो होता है जो बिल्ली उल्ली चढ़ती है ऊपर में तो इधर से उधर बिखर जाता है, तो बिखरता है तो इच्छू नहीं लगता है, तो हर साल ही इसको मरम्मत कराना पड़ता है। और ये समझिए यदि महंगी से तो नहीं पड़ता है मरम्मत कराने में, फिर भी होता है ना टाइम निकालना, तो इसमें टाइम थोड़ा निकालना पड़ता है फैमिली को। हेलो एवरीवन, तो देखिए मैं यहाँ पर ये नीम की कट की हूँ और नीम की बनाने वाली हूँ, और कर रही हूँ अपनी बेटी को कॉलेज जाने की तैयारी। देखिए कितना मैं नीमकी बनाई हूँ और उसके लिए क्या क्या तैयारी की हूँ नाश्ते में। देखिए तो इस तरह हम डाल देते हैं ना तो पहले तो लगता है चिपका चिपका जैसा, लेकिन जब ये तेल में फ्राई होने लगेगा तो सब एक दूसरे से अलग हो जाता है, देख सकते हैं आप इधर उधर इसे लंबा लंबा कट करने से बहुत अच्छा लगता भी है और देखने से भी और खाने में भी। सबको हम डाल दिए इसमें,
और इसको धीरे धीरे हम ऐसे उलट पलट करते रहेंगे इसको पकने तक। ये गाज जैसा इसलिए हो गया ना, कभी अभी इससे पहले मैं एक बार निकाल चुकी हूँ। ये नीमकी बोलते हैं, जो ऐसे ट्रेन गाड़ी होता है ना उसमें भी ये लोग बेचते हैं लोग, तो घर के बनाया हुआ एक अलग ही होता है। आप देख सकती हैं यहाँ है, और गुजिया बनाई हूँ, हो गया गुजिया, क्योंकि गुजिया वो बहुत पसंद करती है, गुजिया और नीमकी, तो मैं उसके लिए गुजिया और नीमकी बनाई हूँ नाश्ते में। ऐसे तो रास्ते के लिए जो होता है ना गाड़ी के लिए कुछ अन्य चीज़ बनाऊँगी, ये वहाँ उसको नाश्ता करने के जितना भी दिन चले उसके लिए, तो उसके लिए मैं बनाई हूँ। एक माँ होता है ना तो लगता है कि बच्चे के लिए अपना क्या कर दे, क्योंकि वो पसंद करती है गुजिया और नीमकी। तो देखिए बना चुकी हूँ यहाँ पर, और हम गुजिया को वीडियो डाल चुके हैं पीछे मेरे, वीडियो जाकर अगर गुजिया देखना होगा कि कैसे गुजिया मैं बनाती हूँ, तो हमारे पीछे वीडियो जाकर आप गुजिया को देख सकती हैं।